हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज एक देखिए, ये महिंद्रा ट्यूरो का चार्जर आया है मेरे पास, और आप लोग यहाँ पे देख लीजिए पूरा इसकी मेरे पास मैंने आपको दिखा रखा है। और एक्चुअल में अभी तक इस पे यूट्यूब पे प्रॉपर कोई वीडियो नहीं बना हुआ है कि आखिर ये चार्जर के किस पर्पज़ से है और कैसे ये काम कर रहा है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, पहले इसका मैं कुछ फीचर्स मेरा बता देता हूं आपको, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए इसका क्या होता है कि ये 35 एम्पियर का चार्जर है, 35 एम्पियर का। एक तो देखिए इसका जो क्या है, ये जो चार्जर है आपका 48 वोल्ट का चार्जर है, ये इसका डीसी कनेक्टर है। और इसमें कनेक्टर में देखिए ये आपका दो तार तो मोटे हैं और दो तार पतले हैं, तो ये जो चार तार पतले हैं, सॉरी, चार तार पतले वाले होते हैं, ये क्या होता है, सेंस के लिए होता है। मतलब ये जो तार काम करता है, ये एक प्रकार का स्विच की तरह काम करता है, जैसे स्विच काम करता है, ठीक है? ये एक प्रकार का बिल्कुल स्विच की तरह काम करता है, तो ये एक प्रकार की स्विच की तरह काम करता है। इसमें हालांकि काम तो आपका दो ही तार से हो रहा है, और दो तार को आप अगर आपस में शॉर्ट करते हैं तो चालू हो जाएगा, उसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पर देखिएगा कि क्या है कि इसकी वायर आपकी एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वायर है, इससे देखिएगा आप लोग, ये राउंड राउंड किया गया है। तो ये राउंड राउंड करने से एक इसमें फ़ायदा ये है कि एक इसकी तो एक लंबाई कम हो गई है, और दूसरी चीज़ ये फिल्ट्रेशन का भी काम करता है अपना। जैसे एक जो एसी वोल्टेज में एक गलत जो वो चलता है, फ्रीक्वेंसी गलत फ्रीक्वेंसी चलती है, तो उसको भी ये ठीक करने में यूज करता है, एक तरह का जैसे इंडक्टर कॉयल मान सकते हैं आप लोग इसको, लाइन फिल्टर की तरह काम करता है ये, ठीक है? अंदर देखेंगे तो ये चार तार आपका यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए चार तार यहाँ पर, ये पकड़ो जरा इसको दिखाओ सही से। अंदर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये चार तार इस सॉकेट पे टच है यहाँ पर, और ये आपका एसी का कोड है ये वाला। इसका एसी लीड भी भाई बहुत महंगा है, ये ध्यान दीजिएगा, लमसम 1100-1200 रुपये का लीड है ये, ठीक है? तो कुल मिला जुला के मैंने इतना समझ लिया है, अगर आपको बुरा ना लगे तो भाई, ये मार्केट में जो है ना 16,000 रुपये का चार्जर है, 16,000 से है, 16,000 का भी है, 18,000 का भी है, ये दो प्रकार के चार्जर है। लेकिन इतना समझ लीजिए, कुल मिला जुला के अगर ये जो रिक्शे वाले खरीद रहे हैं ना भाई, ये प्रॉपर तरीके से अभी तो इसका कोई कॉम्पोनेंट मार्केट में है नहीं, सीधी बात है, कोई भी कंपोनेंट इसका मार्केट में नहीं है, तो ये सिर्फ जुगाड़बाजी से जो हो रहा है रिपेयर हो रहा है। नहीं तो अगर एजेंसी पे आप ले जाते हैं तो ये समझिए कि अच्छा खासा आपका जेब ढीला होगा, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 ऐसे आपका बजट लगता है। मतलब कि रिपेयरिंग जो पर्पस है वो बिल्कुल आपका टोटली समझ लीजिए कि जीरो कर दिया गया है। इसमें आप लोग यहाँ पर डीसी कनेक्टर का ये प्लस माइनस है यहाँ पर आप लोग देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें क्वालिटी खराब है या कुछ भी है, ये कनेक्टर यहाँ से निकल जाएगा, और ये डीसी का प्लस माइनस कनेक्टर है यहाँ पे भी ये बाहर निकल जाएगा। अभी निकाल देता हूँ मैं इसको, तो एक सेकंड लाइन पे रहिए आप लोग। ये लॉक है, कोई बात नहीं, इसको हमें निकाल लेंगे, इसको जोर तो ऐसे है भी नहीं, ये लॉक है, खींचने से निकलता है, काफ़ी टाइटली है ये पहले ऊपर का काला वाला निकाल के फिर अंदर इसके का पिन फंसा हुआ है तो निकलेगा ये, ठीक है? इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसे हमें छोड़ देते हैं, वैसे काफ़ी हैवी लीडें दी गई है इसमें। और यहाँ देखिए क्या है कि ये आपका एसी लीड का कनेक्टर हो गया, एसी लीड के बाद आपका देखेंगे, सही आ रहा है ना, ऐसे रखो, हाँ, तो देखिए ये आपका एसी पावर सॉकेट का जो आपका हो गया, उसके बाद ये फिल्टर हो गया, ये आपका लाइन फिल्टर हो गया, फिर से आपका ये पीएफ हो गया, देखिए ये सॉकेट हो गया, ये पीएफ हो गया, ये लाइन फिल्टर हो गया आपका, फिर से ये मेन पीएफ हो गया, फिर उसके बाद एक और मेन पीएफ, दो मेन पीएफ हो गए छोटे छोटे, और इसमें न्यूट्रल और फेस में दोनों में फ्यूज लगा है ये वाला, देखिए। उसके बाद आप देखेंगे तो इस फ्यूज के बाद यहाँ पे 3 MOB लगा है, हाई फ्रिक्वेंसी मतलब हाई वोल्टेज से बचाने के लिए। एमओबी के बाद देखेंगे तो यहाँ पर 2 NTC लगा है, और एक आपका यहाँ पर रिले लगा है। रिले के बाद आप लोग देखेंगे तो एक यहाँ पर फिर से लाइन फिल्टर लगा है। लाइन फिल्टर इसलिए लगा है ताकि चार्जर स्मूथ चले, चार्जर ये काफी मतलब कि ऐसा होता है तुरंत ही एक्टिवेट होता है, चालू होता है, तो फिर से लाइन फिल्टर दे दिया गया है। लाइन फिल्टर के बाद फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक पीएफ दे दिया गया है हैवी में, और 3 कैपेसिटर दे दिए गए हैं। तो ये तो टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका एसी सेक्शन हो गया। मैं अब पलटता हूँ इसका,
तो ये देखिए, ये अभी एसी सेक्शन चल रहा है, डीसी सेक्शन अलग है। अब ये समझ लीजिएगा, यहाँ तक आपका एसी सेक्शन है। अब भाई यहाँ तक तो ये आपका एसी सेक्शन है। यहाँ पर देखेंगे तो आपका एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये वाला 4 पिन का, मतलब वही अपना एग्जूम वाला रेक्टिफायर है। एग्जूम के बाद, रेक्टिफायर के बाद यहाँ पर एक मॉस्फेट लगा है जो माइक्रोटेक की तरह सेम लगा है। और इस मॉस्फेट को चालू करने के लिए ये 8 पिन की आईसी चालू किया गया है इसमें, ये वाली, ठीक है। ये 8 पिन की आईसी लगी है, देख लीजिए आप लोग ध्यान से, दिखाइए थोड़ा नजदीक से दिखाओ। हाँ, 1 मिनट ऊपर करो हल्का सा। हाँ, ये देखिए 8 पिन की आईसी लगी है। इस मॉस्फेट के बाद चालू करने के बाद देखेंगे तो इधर आपका 2 मॉस्फेट और लगा है। अब ये 2 मॉस्फेट के बाद आप लोग देखेंगे तो इस मॉस्फेट को जो चालू कर रहे हैं वो तो ये वाला आईसी चालू कर रहा है, ये वाला। अब इस 2 मॉस्फेट को चालू कर रहा है वो ये वाली आईसी चालू कर रहा है, ये वाली मेन जो आपकी 16 पिन की है। अब इसी के साथ में आप लोग, मतलब ये ड्राइवर आईसी है, इसी के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे जब ये मॉस्फेट स्विच होगा तो स्विच होने के बाद ये डायरेक्टली एमटी में आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मॉस्फेट लगा है, इसके नीचे ये मॉस्फेट स्विच होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो एक और यहाँ पर लाइन फिल्टर टाइप का लगा है। ये लाइन फिल्टर है, ये एमटी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पे ये लगा हुआ है ये लाइन फिल्टर है, दोबारा से एमटी नहीं है, ये एमटी नहीं है, एमटी इसका मेन ये वाला है, ठीक है। तो लाइन फिल्टर के होते हुए मतलब कि उसके बाद ये जब मॉस्फेट स्विच कर रहा है तो ये आपका यहाँ पर एमटी में आया, मेन ट्रांसफार्मर में। और इतना ध्यान दीजिएगा कि जितना हाई फ्रिक्वेंसी का चार्जर होगा, जितना हाई फ्रिक्वेंसी होगा उतना ही उसका एमटी का साइज छोटा होगा, जितना लो स्विच फ्रिक्वेंसी का आपका चार्जर होगा उसका फ्रिक्वेंसी का साइज, एमटी का साइज बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये एमटी है, एमटी के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 डबल डायोड लगे हैं, ये देखिएगा, ये प्लेट के पीछे इस ड्राइवर कार्ड है, ये मेन इसका कार्ड है, सर्किट कार्ड। इस कार्ड के पीछे 4 डबल डायोड लगे हैं। डबल डायोड से होते हुए फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर डबल डायोड के बाद कैपेसिटर, एक फिर से आपका लाइन फिल्टर यहाँ पे लगा दिया गया है, यहाँ पर जिसको हम इंडक्टर कॉइल बोलते हैं। इंडक्टर कॉइल से होते हुए यहाँ पर आपका आउटपुट दे दिया गया। लेकिन अब गड़बड़ क्या है, गड़बड़ यहाँ पे जो सबसे ज्यादा झाम किया गया है, एक तो देखिए सबसे ज्यादा झाम क्या कर दिया गया भाई, इसमें इसके पार्ट्स जो भी है अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप ढूंढते रहेंगे, पार्ट्स मिलेगा कहीं नहीं। आप लोग कमेंट करेंगे सर क्या ट्यूरो का आपके पास वो पड़ा है सामान, मिल जाएगा, तो देखिए मैं भी आपको रिप्लाई करूंगा कि मेरे पास ट्यूरो का सामान अभी नहीं मिलेगा चार्जर का, ठीक है। अब कुल मिला जुला के आप ये समझिए कि ये इसका ड्राइवर कार्ड है, इसका पूरा मतलब मेन मदरबोर्ड है। और ये मदरबोर्ड जो है, मदरबोर्ड के पीछे आप लोग देखेंगे ना तो ये किसका, ये पीएमआईसी लगा है, प्रोग्रामिंग आईसी, देखो दिखाओ, ये देखिए ये लगा है। अब भाई अब ये समझ लो खूब, अगर आपका मॉस्फेट वगैरह खराब है तब तो ये लगभग आपका 75% तक रिपेयर हो सकता है, अगर सामान किसी मैकेनिक के पास है तो। नहीं है तो ये, यहाँ पर ये समझ लीजिएगा कि अगर इस ड्राइवर कार्ड का प्रॉब्लम है तो ये ड्राइवर कार्ड टोटली लॉस में जाता है, ये रिपेयर होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ये समझ लीजिए। यहाँ पर ये इसका ड्राइवर कार्ड है पूरा, ये ड्राइवर कार्ड मैंने एक जगह पता किया था तो भाई ऐसे बता रहे थे 3500 रुपए का समथिंग पूरा ही कार्ड, वो भी बता रहे थे कि पुराना कार्ड दोगे तो हम नया देंगे, वैसे नहीं देंगे। हमने बोला चलो ठीक है। अब ये चार्जर मेरे पास एक मैकेनिक के पास से रिपेयर होके आया था, रिपेयर होने के वहां पे गया था, उनसे बना नहीं, मेरे पास आया हुआ है, देखते हैं हम भी कोशिश करते हैं भाई, जहां तक वो जुगाड़ करेंगे, अगर होने वाला होगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, सामान मिलेगा तो ही तो करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जुगाड़ मिस्त्री ने यहाँ पे क्या कर रखे हैं कि जर्नली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, देखिएगा ये लगा है यहाँ पर टेप से, जर्नली यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, मैं अभी निकाल के दिखाऊंगा आपको, ये देखिए ये लगा है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा रखा है, इसके ऊपर नंबर नहीं है, इस ट्रांजिस्टर के ऊपर नंबर नहीं है। तो यहाँ पर एक एसएमडी का ट्रांजिस्टर लगा होता है, पहले मैं ये दिखा दूं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका अगर एलईडी का तार टूटा होगा तो भी चार्जर चालू नहीं होगा, और फैन डैमेज होगा तो भी एम्पियर नहीं लेगा, इतना खतरनाक है। मैं इसको निकाल लेता हूँ फैन का तार निकाल के, ताकि फैन का तार, ये देखिए ये चिपका होता है, ये मैंने निकाल लिया, फैन भी इसका बहुत हाई स्पीड का है भाई, ये एम्पियर के हिसाब से अपना कम ज्यादा स्पीड होता रहता है। अब ये देखिए यहाँ पर दिखाओ भाई, यहाँ देखिए
ये कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर, ये डीटी ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर के पास उसका लाइट चालू करो जरा। चालू करो। आप ये देखिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है आपका, ध्यान दीजिएगा, मैं अभी देख लेता हूँ। यहाँ पर आपका ये ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के पास यहाँ पर एक आपका SMD ट्रांजिस्टर लगा होता है यहाँ पर, जिसका नंबर होता है A1015। 1015 ये ट्रांजिस्टर होता है जिससे ये ट्रांसफार्मर वगैरह ये काम होता है, ये सर्किट ऑन होता है। अब ये मैं इसको यहाँ पर निकाल रहा हूँ और फिर देखता हूँ कि इसका क्या पोजिशन है। मैं पहले इसको एक बार निकाल लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या है कि जनरली यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगा है, इस ट्रांसफार्मर को हम बाहर निकाल लेते हैं पहले। और ध्यान दीजिएगा कि जो भी इसमें काम कीजिएगा वो बहुत तो सावधानी के साथ कीजिएगा, क्योंकि इसका प्रिंट तो क्या है कि डबल प्रिंट होता है, सिंगल प्रिंट नहीं होता है। और आयरन 60 वाट का लगाइए, इसमें 35 वाट से काम सही से नहीं होगा, थोड़ा पेस्ट लगा लीजिए तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको निकाल लेता हूँ फटाफट ट्रांसफार्मर को। और कोई भी नया काम कर रहे हैं आप, अगर पहली बार आया है तो उसका फ़ोटो ले लीजिए, सबसे बेटर रहता है फ़ोटो लेना। कई बार आप लोग जैसे जल्दीबाजी में पुराने आदमी हैं तो काम हो जाता है, नए आदमी के काम सही से हो नहीं पाता है, कई बार वो भूल जाते हैं कि भाई यहाँ पे क्या था यहाँ पे क्या था। तो आप फ़ोटो ले सकते हैं। और फिर एक वीडियो आप लोगों को बता दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसको आप बिना रिक्शे के अपने काउंटर की बैटरी पे कैसे चेक करेंगे, टोटल बता दूंगा। यहाँ से थोड़ा खड़ो। तो यहाँ पर आपको मैंने डीसोल्डरिंग पंप से आपको ये पंप मैंने खाली कर लिया है। और यहाँ पर देखिएगा कि बहुत आसानी से ये, जब आप सही से खाली कर लेंगे ना तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए ट्रांसफार्मर अक्सर क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा आपका 99% अक्सर आपका क्या होगा कि जनरली ये DT यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर के पास आपका ये जो ट्रांजिस्टर लगा है वो ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है, फट जाता है, जबकि इसका नंबर होता है 1015 करके। अब 1015 करके जो ट्रांजिस्टर है अब ये अक्सर हमारा खराब हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए किसी मिस्त्री ने यहाँ पे जुगाड़ करके लगाया हुआ है, भाई जुगाड़ तो करना ही है लेकिन वहाँ पे शायद हुआ नहीं होगा। तो मैं इस पे और भी देखता हूँ कि क्या हुआ है, पहले इसको हम बाहर निकाल लेते हैं इस ट्रांजिस्टर के तारों को, नहीं तो प्रिंट इसका हल्का है टूट जाएगा। ठीक है, मैं निकाल कर फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग थोड़ा सा, तो मैंने ये आपका एक जो ट्रांजिस्टर लगा था 3 पिन वाला जो वायर के माध्यम से टच था, यहाँ पे ये लगा था। अब ये ट्रांजिस्टर मेरे को लग नहीं रहा है, ये कुछ और आइटम लग रहा है। तो अब क्या करने जा रहा हूँ कि मेरे पास 10-15 तो भाई इसका SMD में है नहीं, मिलेगा नहीं, यहाँ पर मेरे पास तो है नहीं। तो मैं यहाँ पर ये डीप का देखिए 10-15 लगाने जा रहा हूँ, देखिएगा ट्रांजिस्टर 10-15। लेकिन अब ये जो ट्रांजिस्टर यहाँ पे 3 पिन का जो लगा है ना, इसके साथ यहाँ पे क्या क्या सामान खराब होगा ये आप समझिए। पहले सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये DT ट्रांसफार्मर, आप लोग देखेंगे DT ट्रांसफार्मर के पास देखिए, तो ये DT ट्रांसफार्मर के पास आपका मतलब ट्रांसफार्मर के पास ये कि यहाँ पे डायोड लगा है, ये आपको डायोड शॉर्ट मिलेगा। और साथ ही में यहाँ पे 3 पिन का ट्रांजिस्टर लगा है 10-15, ये ट्रांजिस्टर आपका फटा हुआ मिलेगा, अक्सर मिल जाता है फटा हुआ, ये भी आपका खराब मिलेगा। उसके बाद ये देखिए ये 2 PF लगे हैं, ये दोनों PF आपको शॉर्ट मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक 3 पिन का ट्रांजिस्टर लगा है PNP, ये आपको खराब मिलेगा। तो देखिए मैंने इसका जुगाड़ बना दिया है PNP ट्रांजिस्टर का, ये तो काम कर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें कॉमन आपको ये समझ लीजिएगा कि मैं यहाँ पर एक बार चेक करके आपको बता देता हूँ सारा कुछ। देखिए ध्यान से मल्टीमीटर को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा आपको। देखिए
तो देखिए ये पीएफ मैं चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पीएफ को चेक कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये बीप कर रहा है, ये खराब है। लेकिन ये खराब हमारा पीएफ देखिए, देखिए ये नहीं है, उसको बोला आवाज कम करे। देखो ये देखिए, ये आपका शॉट नहीं है, लेकिन ये दूसरा वाला भी पीएफ शॉट है, ये तो हो गया। मतलब कहने का मतलब है, इस सेक्शन में जितने भी कंपोनेंट है, इस ड्राइवर आईसी को नहीं छेड़ना है आपको, ये ड्राइवर आईसी से कोई लेना देना नहीं है। ये काले वाले जो डायबोर्ड है यहाँ पर, ये डायबोर्ड के इधर ही इधर सारा कुछ चेक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक डायबोर्ड है काला रंग का, ये वाला, इसको भी चेक कर लेंगे, ये ओके है, ये चेक कर लेंगे, ये भी ओके है, ये चेक कर लेंगे, ये भी बिल्कुल ओके है, ये चेक कर लेंगे, ये भी बिल्कुल ओके है, ये दोनों पीएफ को भी चेक कर लेंगे, ये भी ठीक है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर पीएफ जो लगा है, ये कितने नैनोफेरिड का, ये तो 100 नैनोफेरिड का दोनों पीएफ है, ये आसानी से आपको मिल जाएगा। ये दोनों पीएफ भी निकाल लेंगे, इस पीएफ को आपको लगाना जरूरी है, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं लगाएंगे तो भी चालू हो जाएगा, लेकिन लगाना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा रेसी पे मेरा कार्बन आ रहा है वो आयरन में, तो ये देखिए ये दोनों पीएफओ को निकाल लेते हैं बाहर। एक को और पीएफ, ये ध्यान दीजिएगा, पीएफ कभी भी कोई शॉर्ट बता रहा है तो आपको उसको डायरेक्टली निकाल कर फेंक नहीं दीजिएगा, उसको काउंटर पर संभाल कर रखिएगा। कई बार पीएफ ठीक होता है और पीसीबी का प्रिंट पे शॉर्टिंग होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना, थोड़ा सा ब्रश मार लेता हूँ मैं, और ये वीडियो पूरा प्रॉपर देखिएगा, नहीं तो फिर आपको काफ़ी कुछ इसमें नहीं मिलेगा, पता लगेगा, ठीक है। तो देखिए तैयार है, देखो इसको, अब इसके बाद देखिए इस पर चेक करेंगे, तो देखिए पीसीबी पे शॉर्टिंग चली गई, जो शॉर्टिंग थी, अगर इसका मतलब अगर वो भले जो ट्रांजिस्टर पहले लगा था, जो ये वाला लगा था, अगर ये ठीक भी होगा ना, तो भी इस पीएफ की वजह से ये चार्जर चालू नहीं हो रहा होगा। लेकिन हम अपने हिसाब से करेंगे भाई, अब वो हम ज़्यादा वहाँ पे टाइम खराब नहीं करेंगे। देखिए शॉर्ट दिखा रहा है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, पीएफ का एक तरफ, ये देखिए ये पीएफ है, इसका एक तरफ मैं मल्टीमीटर के पिन से एक तरफ पकड़ लेता हूँ ऐसे करके, और दूसरे पिन पर लगाएंगे, तो देखिए मीटर की तरफ देखिए शॉर्ट दिखा रहा है। तो ये तो पीएफ हो गया भाई, अब पीएफ के बाद हमें क्या करना है, अब इसका ट्रांजिस्टर लगाना है। तो इस ट्रांजिस्टर का देखिए क्या होता है, ये इसका 3 पिन है ना, देखिए इसको आपको सीधा ऐसे के ऐसे लगा देना है एज इट इज, इसको पलटना नहीं है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसको लगाना है, तो पहले इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, फिर आगे का वीडियो और शूट करता हूँ।